तो हिरनी फॉल्स हमारा एग्जिट हो चुका है और सबसे अच्छी बात मॉर्निंग में ये रहता है कि आपको कोई नहीं मिलता वाटरफॉल पे और अच्छे से आप अपने मन के अनुसार फोटोशूट करा सकते हैं। क्यों भाई लोग कैसा लगा आप लोगों को वाटरफॉल? भाई लोग कैसा वाटरफॉल अच्छा था, लेकिन सबसे मज़ा ये है कि हम लोग अकेले में फोटोशूट कराए सबको मन लगा के। तो व्हाट्सएप में आपको सारा मतलब फोटो मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं आपको नए स्टॉप पे, तब तक जर्नी का मज़ा लीजिए, आप लोगों को भी देखते जाइए हम लोग कहाँ कहाँ क्या क्या कर रहे हैं, मजा ही आएगा आप लोगों को। नक्की डैम हम लोग अभी जाने वाले, नेक्स्ट डेस्टिनेशन हम लोग का नक्की डैम है 2 किलोमीटर के लिए। जाना किधर है? एक रास्ता यहाँ भी दिख रहा है और एक रास्ता स्ट्रेट दिख रहा है, लेकिन कहीं भी ऐसा कोई मतलब एरो मिटा दिया है, देख रहा है। हाँ, सनराइज पॉइंट देख रहे हो भाई, सनराइज पॉइंट भी यहाँ पर है भाई। सही जा रहे हैं हम लोग, सही जा रहे हैं हम लोग। सो अभी हम नक्की डैम का एंट्री पॉइंट पे पहुंच चुके हैं, देखते हैं। कार का 30 रुपया है, पॉलिथीन फेंकने पर जुर्माना है 100 रुपया। भैया गाड़ी का गाड़ी कहाँ लगाना भैया? आगे तो यहाँ पे सनराइज पॉइंट वगैरह भी है, सनराइज सेल्फी पॉइंट, जंगल ट्रैक और वगैरह वगैरह। ले 70 रुपया मतलब कि हम लोग का पर पर्सन। हाँ ठीक। तो भाई लोग हम अभी हम लोग आ चुके हैं नक्की डैम में, और नक्की डैम मतलब अगर आप घाटी से उतरोगे ना, तेबू घाटी के बाद मतलब 2 घाटी पड़ता है, तेबू घाटी से उतरोगे तब आपको नक्की डैम मिलेगा। लेफ्ट साइड में जाना पड़ता है रास्ता, सब पूछना पड़ता है। और काफ़ी खूबसूरत है यार, सबसे इंटरेस्टिंग बात कुछ कुछ दिख रहा है, वो इंटरेस्टिंग बात देख लो आप। जैसा आई थिंक लोग यहाँ पर जाकर मछली वगैरह मारते होंगे शायद, हो सकता है। मुझे लग रहा है कि सर डैम में पानी इतना भरा भी नहीं है, पता है? ये देखिए पानी बह नहीं रहा है। हाँ मछली पालन या फिर मछली मारता होगा शायद, हो सकता है। बहुत सही। देखिए सबसे इंटरेस्टिंग बात वहाँ देखिए, मुखिया जी का आदेश है कि 4 बजे बाद आना मना है, तो आप लोग जो भी आते हैं 4 बजे से पहले आइए। और हाँ डैम में आना मना है, आप लोग 4 बजे बाद आइए, सॉरी बाद मत आइए। ये है स्विमिंग पूल, यहाँ पे नहाने में काफ़ी मज़ा आएगा। काफ़ी खूबसूरत लग रहा है यार, मतलब फ़िलहाल तब तो नीट एंड क्लीन है, वो इको टूरिज्म का पार्ट है ये सब। पार्क वगैरह बन रहा होगा, अंडर कंस्ट्रक्शन है। इस टाइम पे आने का ही मज़ा अलग है भाई। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यहाँ पर है, गलत काम करते हुए पकड़े जाने पर 5,000 रुपये देना पड़ेगा। अब गलत काम में समझ जाओ, ड्रिंकिंग स्मोकिंग एंड ब्लाबला। सो नक्की डैम का ये हम लोग ऊपर में आ चुके हैं, और यहाँ से जो व्यू आप देखोगे, देखिए हम लोग का कार वहाँ खड़ा है, और ये जो व्यू है लैंडस्केप देखो कितना खूबसूरत है। अभी आपको दिखाते हैं डैम का नज़ारा, वो भी बहुत ही खूबसूरत है। जैसे मैंने देखा आई वॉज मिसमराइज शॉक्ड कि इतना ब्यूटीफुल जगह मैं कैसे नहीं आया था। हाँ ये देखो इको पार्क के लिए बन रहा है। हाँ इको पार्क, काफ़ी थक गए यार। तो ये है गाइस नक्टी डैम का खूबसूरती, जैसे आप देख सकते हैं पानी काफ़ी कम हो गया है, पानी काफ़ी कम हो गया है, लेकिन खूबसूरती अपने आप में लाजवाब। शब्दों में कुछ अगर हेर फेर हो गया तो भाई मुझे माफ़ कर दें आप लोग, बहुत ही खूबसूरत है। और कहीं दूर वो दिखाई देगा आपको, आई लव झारखंड, वहाँ तक कौन जाता है भाई? पता नहीं क्या सोच के वहाँ पे इतना दूर लगा के रखा है। ए बकी पहुंच गया, कैसा लगा डैम? बहुत खूबसूरत।
सो वेलकम टू चायबासा। अभी हम लोग चायबासा एंटर कर चुके हैं और ये एग्जिट मतलब जमशेदपुर जाने का रास्ता। काफ़ी डेवलपमेंट हो चुका है भाई, जब से लास्ट टाइम हम जब आए थे उस समय उतना डेवलप नहीं किया था, मार्केट मॉल्स वगैरह ऐसा कुछ नहीं थे ज़्यादा, बट अभी बहुत कुछ दिख रहा है। तो सड़ जाता भाई, लर्निंग वाला है तो सर्वे करेगा। तो अभी हम लोग नवा मंडी के एरिया में हैं और ज़्यादा डेवलपमेंट हम लोग को देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन एक चीज़ देख मतलब देखने को मिल रहा है कि कुछ ज़्यादा ही लाल लाल है हर चीज़। आपको दूर दूर में हर चीज़ मिलेगा। कुछ देर में तो लोग डर गए थे कि भाई पेट्रोल पंप मिलेगा कि नहीं मिलेगा हम लोग को। यहाँ पे भी डेवलपमेंट उतना नहीं, हाँ मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है, पर यूनिकनेस तो ये है कि ये बिल्डिंग कैसे दिख रहा है इतना बड़ा। अरे भाई उधर क्या है, दूर दूर देखो बहुत देरी, मानना पड़ेगा पूरे एरिया में सबसे बड़ा बिल्डिंग यही है। ये हम कहाँ देख रहे हैं, कुतवा भी लाल है। कहाँ के कुतवा, अरे अरे कुतवा भी लाल है भाई। तो यहाँ पे जितना भी चीज आप देख पा रहे हो, रोड हो गया, ये चट्टान हो गया, ये सब कुछ आपको चट्टान जैसे हर चीज आपको लाल लाल नजर आएगा ड्यू टू आयरन ओर। इस एरिया में आयरन ओर बहुत ज्यादा पाया जाता है, देख लीजिए तो पत्थर वगैरह भी। हमने जिस रोड को चूज किया है, शॉर्टकट तो है बट बहुत ज्यादा ही उबड़ खाबड़ कच्ची रोड, ऑफ रोडिंग करना पड़ रहा है हम लोग को। सो हम लोग माइंस की तरफ जा रहे हैं और इधर ही महादेव, क्या बोलते हैं उसको, मुर्गा महादेव मंदिर करके एक तो जगह है जहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग बात तो पता है उस मंदिर का, ये है कि मंदिर के बगल में वाटरफॉल है, तो ये खूबसूरत सा कॉम्बिनेशन जल्द देखने को मिलता नहीं है। तो आइए चलिए हम, तो अभी हम लोग माइंस की तरफ एंटर कर रहे हैं। है? पता नहीं है माइंस वाला है क्या, जाना किधर है, इसमें तो सीधा ही दिखा रहा है, नेटवर्क उड़ गया क्या। हाँ नेटवर्क उड़ गया, किससे पूछना पड़ेगा भाई, क्योंकि देखो हम लोग माइंस की तरफ जा रहे हैं। ये पूछ लेते आदमी से क्या, बाप रे बाप रे बाप रे, तो यहाँ लोग तो है बड़का गड्ढा है। अरे तेरी माइंस, पीछे गाड़ी नहीं आ रहा है, है। मुर्गा महादेव मंदिर, पता नहीं क्या भाषा में, उड़िया भाषा में लिखा हुआ पता ही नहीं चल रहा हम लोग को। हम लोग जब यहाँ पर आए तो हम लोग साथ एक कांड हो गया, वो कांड ये है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि मोबाइल और कैमरा अलाउड नहीं है अंदर। सो मूड तो खराब हो गया, यहीं पे रखना पड़ेगा मोबाइल। सो मैं आप लोग को फुटेज दिखा नहीं पाऊँगा। लोगों से पूछने पर कुछ देर बाद पता चलता है कि मंदिर के लेफ्ट साइड से एक रास्ता जाता है जो कि डायरेक्ट वाटरफॉल की तरफ निकलता है, तो मंदिर का रास्ता अलग है और वाटरफॉल का रास्ता अलग है, तो वाटरफॉल के लिए कोई चार्ज देने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा आपको, कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है। सो यही है वो वाटरफॉल, छोटा सा बगल में मंदिर है। बस इसी के लिए हम लोग इतना दूर से आए थे, पानी इतना नहीं जितना लोग सोचे थे, बहुत कम है। नायक श्री डी आर पटनायक का मतलब, अरे मतलब उड़ीसा में हम लोग है ना, यहाँ पटनायक का सरनेम वगैरह होता अच्छा। है लोकल मार्केट्स आना चाहिए था सर, टाइम बचता 10-15 मिनट एक्स्ट्रा टाइम बचता।
नोवा मुंडे के बारे में जितना सुना था उससे कई ज़्यादा खूबसूरत हमें वहाँ का क्वार्टर्स लोकेशंस कब के बारे में पता चला। आई थिंक मुझे लगता है कि आप सबको भी नोवा मुंडे जाना चाहिए, देखना चाहिए वहाँ का कितना खूबसूरत मतलब लोकेशन है, कितनी अच्छी जगह पे क्वार्टर्स में बसाया गया है। हम कोई ट्रिप करें और ट्रेजेडी उसमें ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? तो हमारे साथ भी कुछ ट्रेजेडी होता है। पहला ट्रेजेडी ये होता है कि हम जिस रूट को सेलेक्ट करते हैं वो रूट हमारे प्लान में नहीं था, जिसकी वजह से हमें ये पता चलता है कि वो रूट काफ़ी ख़राब है और जिसकी वजह से हमारा टाइम डिले होता है। और हमारा जो रूट था वो बेसिकली सरायकेला होके था एक लड्डू की वजह से, क्योंकि हमारे ट्रिप में वो जो लड्डू था जो दिख रहा है आपको ये हमारे प्लान में था। सो अल्टीमेटली हमने वो लड्डू लिया एंड देन हम निकल चलते हैं रांची के लिए। पर रांची निकलते निकलते हमारे साथ एक और ट्रेजेडी हो जाता है कि टाइम का शॉर्टेज हो जाता है। अब इस ट्रिप का सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि समोसा नहीं, मेरा बस जो है 9:30 बजे है और अभी टाइम हो रहा है समथिंग अराउंड 7:12 और हम लोग के जो ड्राइवर साहब है ना मरदम कोशिश कर रहे हैं कि हमको टाइम पे पहुंचाए। 107 किलोमीटर समथिंग कुछ है और हम लोग बहुत एक होता है ना कि अंदर से बटरफ्लाईज अलग अलग फील आ रहा है। खैर तो आज का ब्लॉग बस इतना ही आप लोग को दिखा पाएंगे क्योंकि इसके बाद अब कुछ नहीं है, जो था वही था जो आप लोग देखे अभी तक में। चलिए तो फिर मिलते हैं किसी और ब्लॉग में। थैंक्स टू शशि भाई जिन्होंने इतने अच्छे से ड्राइव किया और मुझे टाइम पे बस पकड़वा दिया। थैंक्स टू एवरीवन जिन्होंने मेरा ट्रिप को इतना खूबसूरत बनाया और उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट ट्रिप हम लोग फिर साथ में करेंगे। एंड ये था मेरा स्ट्रेस फ्री राइड। आप लोग कैसा लगा गाइज, लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा, बताइए अपने कमेंट्स के जरिए कि कैसा लगा आफ्टर सो मेनी डेज आई एम व्लॉगिंग। उम्मीद आप लोग अच्छा लगा होगा।